वेलकम फ्रेंड, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल भोला साहेब रियल मैकेनिक में। मेरा नाम जान लीजिए भोला सा। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेलन BS4 का, लेलन BS4 के बारे में, जो इसका किन पिन कैसे फिट करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले जान लीजिए इसका ऑयल सील देख रहे हैं आप लोग, ऑयल सील हम लोग बैठा रहे हैं। तो ऑयल सील फ्रेंड, इसमें दो ऑयल सील आएंगी छोटी छोटी, जो दो ऑयल सील को आपको कुछ इस तरीके से बैठाना है। एक तो देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरीके से बैठेगा। तो फ्रेंड, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग होल सेल बैठा रहे हैं, तो होल सेल क्यों बैठा रहे हैं आपको इसके बारे में बताता हूं। तो फ्रेंड, इसमें क्या था, किन पिन में चाल हो गया था, यानी बुश के अंदर चाल दिखा रहा था, पिन और बुश में चाल दिखा रहा था। इसके लिए हम लोगों ने बुश चेंज किया है, नया बुश डाला है इसके अंदर, और बुश डालकर इसके लिए हमको होल सेल डालना पड़ा नया। तो देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से ये दोनों होल सेल आएंगे, ये देख सकते हैं, एक सीधी और एक उल्टी, इसमें ऑयल सील आएंगे। ऑयल सील क्यों डालते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको कि ये दोनों ऑयल सील ग्रीस को रोक के रखती है, यानी पिन और बुश में जाम ना हो। क्या होता है फ्रेंड, ग्रीस नहीं होने के कारण जाम हो जाती है, तो स्टेरिंग जो काटते हैं हम लोग, स्टेरिंग जाम करती है, तो इसके लिए ग्रीस को रोक के रखती है, इसके अंदर पिन और बुश के अंदर जाम ना हो। तो फ्रेंड, इसमें पिन जो है स्टैंडर्ड पिन है, और देख रहे हैं हम लोग कुछ प्लेट जैसा रख के, हम लोग पट्टे को रखकर हम लोग ऑयल सील को बैठा रहे हैं। तो आप भी ऐसे बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें बताऊंगा आपको कि कैसे किन पिन फिट करना है, किस तरीके से आपको फ़िट करना है, एकदम आसानी से बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो फ्रेंड, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको इसी तरह का वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको काम करना है। तो ये दो होल सेल हमारी कंप्लीट हो गई, अब चलते हैं धड़ी के ऊपर। अब चलते हैं, इसको पिन ले लेते हैं हाथ, आपको बताता हूँ पिन किस तरह से रहेगा। तो फ्रेंड, ये देख रहे हैं कट का निशान जो दिया हुआ है, डीप में दिया हुआ है, और इधर साइड में लॉन्ग के साइड में दिया हुआ है, ये देखिए लॉन्ग में हो गया। ये लॉन्ग भाग को जो कट का निशान दिया हुआ है लॉन्ग, इसको आपको नीचे के साइड में रखना है, और जो डीप में कट का निशान दिया हुआ है डीप भाग में, उसको ऊपर के साइड में रखना है। तो क्यों रखना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड, इसमें दो क्वार्टर पिन आती हैं, तो क्वार्टर पिन इसमें दो आएंगे, एक छोटी और एक बड़ी। जो जो डीप के निशान पे दिया हुआ है कट का, जो डीप भाग में कट का निशान दिया हुआ है, उसको ऊपर ही रखना है आपको, नहीं तो आपको क्वार्टर पिन लगेगा नहीं, सेंटर ही नहीं आएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये कट का निशान दिया हुआ है, ये छोटे भाग में दिया हुआ है और इधर लंबे भाग में दिया हुआ है, यानी लॉन्ग जो पिन है उसमें छोटा कम और ज़्यादा का दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, स्पिंडल के अंदर मैंने पिन को डाल दिया, और पिन के अंदर डालने के बाद क्या करूँगा मैं, इसका जो आइसर आता है यानी सिम्स को ले लूँगा। इसमें एक ही सिम्स था, इसमें बैरिंग भी हम लोग नवा चेंज कर रहे हैं, नया बैरिंग, तो इसमें चेंजिंग आ गया फ्रेंड, कि पिन भी बहुत अलग तरीके से दे दिया है। पुराने मॉडलों में कुछ पिन अलग आती थी, इसमें बहुत अलग दे दिया है, स्पिंडल और हर चीज़ को चेंजिंग कर दिया है। जैसे मैंने पिन के अंदर डाल दिया भाई सर, अब चलते हैं धड़ी के ऊपर, एकदम आसान तरीका है रखने का। अब धड़ी के ऊपर मैंने रख लिया, धड़ी के ऊपर रखने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, पिन को ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने ऊपर के साइड में रखा है ये कट का निशान जो डीप में दिया हुआ है, और लॉन्ग भाग को नीचे रख लिया मैंने। अब पिन को क्या करूँगा, धड़ी के अंदर डाल दूँगा, थोड़ा सा डाल दिया ये, अब बैरिंग ले लूँगा। अब बैरिंग डालकर देख लेना है फ्रेंड कि इसके अंदर कितना चाल दिखा रहा है, यानी फ्री जा रहा है क्या। तो फ्री ये जा रहा है, तो इतना फ्री नहीं होना चाहिए, थोड़ा हथौड़ी का फटका लगना चाहिए इसके अंदर, तो ये फटका जा रहा है नहीं है, सही ये सही नहीं है, इतना फ्री नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फ्री रखने से क्या होगा फ्रेंड, कि जल्द चाल पड़ जाएगी। तो फ्रेंड, ये चाल की वजह से टायर भी खाती है, टायर भी बहुत दबाती है, और स्टेयरिंग में दिक्कत भी करती है, गाड़ियाँ चलती है जब। तो चलते हैं अब इसको निकालते हैं पिन को, पिन निकाल कर अब क्या करेंगे, पतली सिम्स डालेंगे इसमें। फ्रेंड आप देख सकते हैं, मैंने पिन को निकाल लिया है बाहर, पिन निकालने के बाद ये बैरिंग को भी निकाल लूँगा, और इसमें पतली सिम इसके अंदर डालूँगा मैं। तो पतली सिम डालूँगा इसमें, थोड़ा टाइट रखूँगा पिन स्पिंडल को, ताकि हमारा प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड, इसमें टायर के दबाने का प्रॉब्लम था इसमें, अब इसमें पतली सिम डालकर दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड, अब क्या करता हूँ, ये देख सकते हैं मैंने दो पतली सिम्स रखी है, ज़्यादा नहीं, दो पतली सिम्स रखी है। अब पतली सिम्स को मैं इस तरीके से रख लूँगा, आपको ऐसे रख लेना है, और रखने के बाद क्या करना है आपको, पिन को कुछ इस तरीके से डाल देना है। तो देख सकते हैं आप लोग, एकदम आसान है
किन पिन बनाना, किन पिन फिट करना बहुत आसान है, कोई तकलीफ़ नहीं। मैंने फिर से इसमें सिम्स डालकर और इसको पिन को बैठा दिया। अब इसको सेंटर में रख लेना है, जहाँ पे आपका लॉक बोल्ट जहाँ पे लगेगा उसके सेंटर में रखना है आपको, ताकि लॉक बोल्ट आपका एकदम आसान से लग जाए। अब चलते हैं, इसको बेरिंग को डाल देते हैं। बेरिंग को मैंने रख लिया, अब हथौड़ी का फटका लगेगा इस पर। देख सकते हैं ये भाग को जो है नीचे के साइड में रखना है, स्पिंडल को स्पिंडल के साइड में। अब चलते हैं, बेरिंग को ठोक लेते हैं इसके अंदर, यानी हथौड़ी का फटका लगा लेते हैं। अब हथौड़ी का फटका लगाने के बाद ये देख सकते हैं आप लोग, अभी सही जा रहा है ये। हथौड़ी का फटका लगा रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग कि इस तरीके से बेरिंग को जाना चाहिए। ज़्यादा जाम भी नहीं है और ज़्यादा फ्री भी नहीं है, यानी मीडियम में जा रहा है ये, तो ये सही है। अब ये पिन को मैं कुछ इस तरीके से हथौड़ी से मार लूँगा इसको। अब हथौड़ी से मारने के बाद क्या करूँगा इसको, देख लेता हूँ कि क्वार्टर पिन के सेंटर में आ गया कि नहीं। तो इसमें दो क्वार्टर पिन आएगी, लॉक बोल्ट, तो क्वार्टर पिन भी बोल सकते हैं और लॉक बोल्ट भी बोल सकते हैं। तो लॉक बोल्ट के सेंटर में आया कि नहीं मैं देख लेता हूँ। अब इसको हथौड़ी का फटका से थोड़ा सेंटर में रख लेता हूँ। तो ये दोनों लॉक बोल्ट इसमें, अब ये हो गया कम्प्लीट। अब इसमें क्या करता हूँ कि लॉक बोल्ट को डालने की तैयारी करता हूँ। फ्रेंड, मैंने लॉक बोल्ट को ले लिया है, तो ये देख सकते हैं। तभी मैं लॉक बोल्ट छोटे को नहीं रखूँगा, बड़े को ही पहले डाल देता हूँ इसके अंदर। तो फ्रेंड, जो नीचे का लॉक बोल्ट बड़ा आएगा उसको आपको क्या करना है, आगे साइड से इसको डाल देना है। और उसमें कट का दिया हुआ है, उसमें भी कट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये पिन के साइड में रखना है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इस पर हथौड़ी का फटका लगा लेता हूँ। हथौड़ी का फटका लगाने के बाद क्या करूँगा इसमें, इसमें वाइसर और चाकी रखकर टाइट करूँगा। तो ये क्वार्टर पिन बड़ी आएगी, नीचे के साइड में बड़ी क्वार्टर पिन ही आती है। लेलन का जो किन पिन आप बनाते हैं तो उसमें दो क्वार्टर पिन आपको आएगी आएगी, एक छोटी और एक बड़ी। तो छोटी जो आती है वो ऊपर के साइड में आएगी, जो पीछे से जाएगी, पीछे से ठोकना है इसको, और बड़ी को आगे से ठोकना है। ये मैंने एक बड़ी को डाल दिया, अब इसमें वाइसर और चाकी रखकर इसके अंदर फेस कर लेता हूँ। पहले ज़्यादा अगर बाहर है तो इसमें दो वाइसर रखते हैं, स्प्रिंग और प्लेन वाइसर रखकर इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसको थोड़ा टाइट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये कम्प्लीटली टाइट हो गया है ये क्वार्टर पिन। अब दूसरी छोटी, ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो कट का निशान दिया हुआ है, इसमें भी कट का निशान दिया हुआ है, यानी डीप भाग में दिया हुआ है इसमें। तो इसको फिर से ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो आपको क्या करना है, पिन के साइड में ही रहना चाहिए इसका निशान। तो ये देख सकते हैं, आपको बता रहा हूँ कैसे। अभी इसको पीछे से मैंने रख दिया, और पीछे से डालने के बाद इसको क्या करना है, थोड़ा हथौड़ी का फटका लगाकर इसको भी अंदर जाने देना है। तो ये हथौड़ी का फटका मैं दे रहा हूँ, अब ये पिन चला गया अंदर, लॉक बोल्ट। तो कोई पंच से इसको लेकर डाल देना है। ये हो गया कम्प्लीटली, ये हो गया कम्प्लीटली, हो गया दोनों क्वार्टर पिन, मैंने लॉक बोल्ट को डाल दिया है। अब इसमें भी चाकी आएंगी, वाइसर आएंगी, चाकी वाइसर को डालकर, यानी नट को डालकर टाइट कर देना है। नट और वाइसर आएंगे दोनों में, दोनों को टाइट कर देना अच्छे से। और इसको टाइट करने के बाद फ्रेंड, आपको बता दूं कि ऊपर और नीचे के साइड में दो प्लेट आएंगी जो ग्रीस को रोक के रखती हैं। आप लोगों ने टाटा को बनाया हुआ तो टाटा में आपको पता होगा रिंग और उसमें प्लेट आती है, मगर इसमें अलग प्लेट दिया हुआ है। 13 नंबर का और 16 नंबर का भी बोल्ट देता है, मगर इसमें 13 नंबर का बोल्ट दिया हुआ है। तो दोनों प्लेट को भी टाइट करना ज़रूरी है। अब मैं इसको पूरे कम्प्लीटली कर लेता हूँ, उसके बाद प्लेट डालकर दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड, मैंने प्लेट ले लिया, देख सकते हैं इसमें पैकिंग आती है। पैकिंग अगर नहीं है तो आप बॉन्ड टाइप भी लगा सकते हैं, बॉन्ड टाइप लगाकर इसको टाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने ऊपर के साइड में रख लिया, और इसमें 3 बोल्ट आएंगे, 3 बोल्ट को मैं रख कर टाइट कर लेता हूँ। इसमें 2 प्लेट आएंगी, आपको बताया मैंने कि 2 प्लेट आएंगी, और 1 प्लेट में 3 बोल्ट आएंगी आपकी। इसमें न्यू मॉडल में लेलन में कुछ इस तरीके से दे दिया है, तो क्या है, पुराना मॉडलों में कुछ अलग देता था और BS4 में कुछ अलग दिया हुआ है। तो फ्रेंड, मैंने इसको कम्प्लीटली टाइट कर दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया कम्प्लीट। ये दूसरा भी बंदा लगा रहा है नीचे का जो है, इसको भी टाइट कर लेते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड, क्या करते हैं,
ब्रेक लाइनर जो आती हैं, जो ब्रेक लाइनर को ले लेंगे, यानी असेंबल ब्रेक शू आते हैं, ब्रेक शू भी बोल सकते हैं, ब्रेक लाइनर भी बोल सकते हैं, उसको ले लेते हैं और उसको भी लेकर इसमें रख लेते हैं, यानी लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें असेंबल है, पूरा असेंबल ही रहता है। तो इसमें ब्रेक पुस्टर, ब्रेक लाइनर और ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से आएगा इसके अंदर। तो इसमें फ्रेंड 6 नट देती है कंपनियाँ, 6 नट देती आती है, दी है। तो इसमें 6 नट दिया हुआ है, 3 इधर और 3 आगे और 3 पीछे से लगेगा इसमें। तो तीनों को फेस कर लेते हैं। इसमें 19 नंबर या 18 नंबर का देता है, तो इसमें 18 नंबर का दिया हुआ है, 18 नंबर का पौना रिंच लगेगा आपको। तो इसमें गोटी से भी टाइट करते हैं, बॉक्स पौना से, बॉक्स गोटी जो आती है उससे भी टाइट कर सकते हैं आप लोग। तो हम लोग बॉक्स गोटी से ही टाइट करेंगे और रिंग से भी टाइट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। तो मैं रिंग से ही टाइट कर लेता हूँ और रिंग से टाइट करने के बाद इसको क्या करूँगा फ्रेंड, ये जब टाइट हो जाएगा तो टाई रॉड लगा दूँगा। टाई रॉड आपको पता है कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है, नहीं पता है तो उसके बारे में भी दिखाऊँगा करके आपको। रिंग पाने से रिंग से मैंने टाइट कर दिया, रिंग से मैंने टाइट कर दिया। अब इसको गोटी से चेक मार लेता हूँ कि टाइट हुआ कि नहीं हुआ है। तो फ्रेंड बूस्टर के ऊपर जो है दिख नहीं रहा, बाकी बूस्टर के ऊपर क्या होता है फ्रेंड, 22 नंबर की ब्रेक पाइप आती है जो ब्रेक के लिए देता है। तो इसको कंप्लीट हो गया हमारा ब्रेक शू, कम्प्लीटली हो गया कंप्लीट। ये जो तार देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है फ्रेंड, ABS के लिए देता है। तो इसको भी लगाऊँगा, आपको दिखाऊंगा कैसे लगता है, ये कहाँ पे लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने ये ब्रेक, ये देख सकते हैं ABS ब्रेक का जो देता है, इसको पीछे से ही लगेगा, पीछे से इसको मैं देख ले सकते हैं। इसको मैं रख देना है, फेस पे रखना है, ज़्यादा बाहर नहीं रखना है, इसको ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, नहीं तो क्या है कि आपका ABS ब्रेक का जो लाइट है जो आपको जलता ही रहेगा, मीटर बॉक्स पर दिखाता ही रहेगा कि हाँ ABS लग रहा है। इसके लिए फेस पर रखना है और इसको साफ़ करके लगाना है। तो मैंने साफ़ पहले से किया था, इसके लिए मैंने लगा दिया इसको। आप चलते हैं टाई रॉड को कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। अब टाई रॉड को कुछ इस तरीके से ले लेना है और इसको इसमें 30 नंबर का चाकी आएगा, यानी नट, 30 नंबर का नट आएगा। 30 नंबर का नट को कुछ इस तरीके से लेकर अच्छे से टाइट कर देना है आपको, और इसमें रिंच लगेगा आपका 30 नंबर का ही लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको ले लेना है और टाइट करना है आपको। हाथ से फेस कर लिया मैंने, हाथ से फेस करने के बाद इसको रिंच से मैं टाइट कर लेता हूँ। ये रिंच से मैं इसको कंप्लीट करके टाइट कर लेता हूँ। तो इसको क्या है, इसको टाइट करने के बाद इसमें फ्रेंड जब इसको आप टाइट करेंगे तो इसके बाद क्या करना है, आपको क्वार्टर पिन आएगा, क्वार्टर पिन जो चीरा पिन बोलते हैं और क्वार्टर पिन भी बोलते हैं। तो कुछ उसमें इसको देख लेना, इसमें होल भी आता है छेद, उसको देखकर आपको सेंटर में चाकी को रख लेना है, यानी नट को रख लेना है सेंटर में कि कहाँ पे हमारा क्वार्टर पिन आता है उसका सेंटर। तो मैं अच्छे से कम्प्लीटली टाइट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड कम्प्लीटली ये टाइट हो गया, आप क्वार्टर पिन देख सकते हैं आप में इसमें कैसे लगा रहा हूँ। इसमें क्वार्टर पिन हो गया, अब इसको मोड़ देना है। क्वार्टर पिन नहीं है तो भी चलेगा, मगर क्या कंपनी देती है तो अपने को रूल्स निभाना पड़ता है, उसका रूल्स को लेकर चलना पड़ता है। आप चलते हैं हब फिटिंग के तरफ। तो ये मैंने कुछ इस तरह से मोड़ देता हूँ, तो मैंने मोड़ दिया, ये हो गया कम्प्लीटली कम्प्लीट। अब चलते हैं हब की तरफ। अब हब की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले देख सकते हैं स्पेसर वाइसर दिया हुआ है, मोटा स्पेसर वाइसर पहले लगेगा, मोटा स्पेसर वाइसर आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद ये देख सकते हैं बेरिंग, तो ये बड़ी बेरिंग है, तो ये 6379 नंबर करके आएगा, 6379 बेरिंग इसका आएगा, बड़ा बेरिंग। तो बड़ा बेरिंग को कुछ इस तरीके से ले लेना है। अब ये देख सकते हैं इसमें कुछ आपके पास हो ऐसा पंच, कोई भी चीज़ आपको इसे ठोक लेना है अच्छे से, तो इसे अच्छे से हथौड़े से मारकर इसे डाल देना है। तो ये हो गया कम्प्लीट।
अब चलते हैं, इसमें आएगा डिस्टन, ये देख सकते हैं डिस्टन आएगा कुछ इस तरीके से। इसमें डिस्टन जो है फ्रेंड उल्टा लगेगा नहीं, आपका सीधा ही लगेगा। तो डिस्टन को कुछ इस तरीके से डाल दिया मैंने, इसमें सिम्स नहीं थी, डिस्टन स्टैंडर्ड है। तो फिर से मैं दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिस्टन आएगा इसमें। तो डिस्टन का क्या है फ्रेंड, डिस्टन स्टैंडर्ड है, इसके लिए इसमें सिम्स नहीं दिया कंपनी ने, और इसमें चार्ज भी नहीं था पहले, हमने चेक किया था तो अब सिम्स नहीं डालेंगे हम। अब चलते हैं फ्रेंड हब को डालकर दिखाता हूँ आपको। हब जो है कम्प्लीटली है, इसमें ड्रम और हब को जो है निकाला नहीं मैंने, अलग नहीं किया। और इसमें देख सकते हैं इसमें जो दांती की तरह दिख रहा है, गियर दांती की तरह, ये है एबीएस ब्रेक के लिए दिया हुआ है, जो एबीएस ब्रेक के लिए दिया हुआ है इसके अंदर। तो मैं कम्प्लीटली इसको अंदर जाने डाल देता हूँ, लेट है कम्प्लीटली। इसमें हमें भी ग्रीस डाल देना है, ग्रीस मैंने डाल दिया था इसमें, अब इसको कम्प्लीट इस तरीके से डाल देना है। तो ये हो गया हब हमारा कम्प्लीटली डल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड, एक और बेरिंग आएगा आपका, ये बेरिंग को आपको बता दूंगा कि बेरिंग नंबर कितना आएगा इसका, बेरिंग का पार्ट नंबर, ये 535 नंबर आती है छोटी बेरिंग, 535 नंबर। और मैंने आपको बड़ी बेरिंग बताई थी 6379 फ्रेंड, और 535 ये हो गया, ये हो गया। मैंने कुछ इस तरीके से जाने दिया अंदर, ये हो गया डल गया। तो अब इसके बाद फ्रेंड क्या करना है आपको, पतली स्पेसर वाइसर आएगी, ये देख सकते हैं लेलन में पहले अलग देती थी, अब इसमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, चेंजिंग है, बहुत चेंजिंग है BS4 के अंदर, ये देख सकते हैं आप लोग। मैंने इसको डाल दिया, अब चेकनट दिखाता हूँ आपको, चेकनट किस तरीके से दिया हुआ है इसका, चेकनट भी बहुत अलग दिया हुआ है, आपको दिखाता हूँ फिर से। ये चेकनट देख सकते हैं आप लोग, पहले क्या था कि चेकनट के अंदर क्वार्टर पिन लगती थी, अब इसमें क्वार्टर पिन नहीं दिया हुआ है, क्वार्टर पिन कैंसिल कर दिया, इसमें 3 वोल्ट और उसका प्लेट दिया हुआ है लॉक के लिए, ये देख सकते हैं। और फ्रेंड इसमें कितने का आपको बॉक्स लगेगा गोटी, आपको इसके बारे में बता देता हूँ, 65 का गोटी लगेगा आपका, यानी बॉक्स 65 का दिया हुआ, पहले 55 का देता था, अब इसमें 65 का देता है। तो आपको क्या करना है, बॉक्स ले लेना है और उसका कनेक्शन ले लेना है, कनेक्शन को लेकर कोई चीज़ से आपको फेस कर लेना है, टायर लीवर या कोई चीज़ से आपको फेस कर लेना है, पहले फेस करके उसके बाद बड़ी टाइमी से आपको टाइट करना है। फ्रेंड कम्प्लीटली मैंने फेस कर लिया, कोई भी चीज़ से आप फेस कर सकते हैं इसको आप, ये जरूरी नहीं है टायर लीवर से ही फेस कर सकते हैं आप, कोई भी चीज़ से फेस कर सकते हैं आपको। अब चलते हैं बड़ी टाइमी लेकर इसको टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, बड़ी टाइमी से मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, ये कम्प्लीटली हो गया कम्प्लीट। अब ये इसके बाद क्या करूँगा फ्रेंड, इसमें लॉक बोल्ट जो आती है, 3 लॉक बोल्ट आएगी और इसमें प्लेट आएगा, तो प्लेट को आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आएगा। एंड ये इसका प्लेट दिया हुआ है लॉक के लिए, 3 10 नंबर का बोल्ट दे दिया है, क्वार्टर पिन कैंसिल कर दिया इसने कंपनी ने, अब इसमें न्यू मॉडल में 10 नंबर का बोल्ट दे दिया है। तो चलिए सामने से दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लगेगा, कैसे आएगा इसका, सामने से आपको दिखा देता हूँ। सामने से मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें देख सकते हैं आप लोग, और चलिए क्लोज और कर लेते हैं, थोड़ा सही से पास में कर लेते हैं। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये 3 लॉक बोल्ट इसके जो फ्रेंड है, इसमें बॉक्स में जो आता है यानी चेकनेट में जो आता है, चेकनेट में उसके सेंटर में प्लेट को रख लेना है, और उसको कांचे उसको जो आती है छेद आती है इसमें, उसको मिलाकर आपको टाइट करना है तीनों बोल्ट को। तो 10 नंबर का गोटी ले लेना है यानी बॉक्स, टी कनेक्शन ले लेना है, टी कनेक्शन से कुछ इस तरीके से टाइट कर लेना है अच्छे से, जैसे इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। ये कंप्लीट हो गया टाइट। अब इसके अंदर फ्रेंड क्या होगा, इसके अंदर एक प्लेट आएगी, छोटी प्लेट आएगी इसकी, यानी हाफ प्लेट, ये देख सकते हैं मैंने कंप्लीट कर दिया 3 वोल्ट डालकर, ये मैंने सेंटर में रख लिया और 3 वोल्ट डालकर इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसका हाफ प्लेट आएगा, हाफ प्लेट के अंदर क्या करना है फ्रेंड, थोड़ा सा ग्रीस रख देना है उस पर, थोड़ा सा ग्रीस रख के और उसको इसके अंदर टाइट करना है आपको। उसमें 6 बोल्ट आएंगी 10 नंबर की, तो 6 बोल्ट इसमें लेकर टाइट करना है आपको। तो देख सकते हैं इसमें मैंने ले लिया, अब इसको बोल्ट को अच्छे से फंसा टाइट इसमें फेस कर लेता हूँ हाथों से।
से फेच कर लिया। आप टी कनेक्शन 10 का गोटी ले लेना है बॉक्स, और इसको अच्छे से इसको टाइट कर लेना है ताकि ये ढीला नहीं रह जाए। 6 वोल्ट इसमें खूब बहुत अच्छे से टाइट कर लेना है आपको ताकि ढीला ना रह जाए। तो देख सकते हैं मैं टाइट कर रहा हूँ टी कनेक्शन 10 का बॉक्स लेकर। तो फ्रेंड टी कनेक्शन 10 का गोटी से मैं टाइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कैसे, और इसको ऐसे ही कम्प्लीटली टाइट कर देना है। तो फ्रेंड आपको मैंने बताया कम टाइम में, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, कम टाइम में आपको बताया कि कैसे हमको कम्प्लीटली कम्प्लीट करना है। तो ये हो गया है कम्प्लीट। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फ्रेंड।